हेलो एवरीवन। सो आज हम ब्लाउज का बैक डिज़ाइन करेंगे। तो देख लीजिए, इसकी लंबाई है 13 इंच और चौड़ाई है इसकी 9.5 इंच और इसका कंधा है 5.5 इंच। तो 2.5 इंच की हमें कटिंग करनी है। ऊपर से हम 2.5 इंच रखेंगे और डीप हमें 10 इंच रखना है, यहाँ से ऐसे करके। फिर नीचे की साइड में भी हमें 2.5 इंच ही रखना है। डिज़ाइन आप बाद में बनाएंगे। इसके बाद हम 1.5 इंच तक अंदर जाएंगे और यहाँ से इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये शेप हमें बनाना है ब्लाउज में। इसके बाद हमें कटिंग कर लेनी है। देखिए, कटिंग करने के बाद ये हो गई कटिंग। कटिंग करने के बाद इसे हम रखेंगे साइड में। इसे पूरा हो गया, आप देख सकते हो कि डिज़ाइन कैसा लग रहा है। तो इसे हम साइड में रख लेंगे। अब देखिए, 3 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा ब्लैक कलर का कपड़ा है। देखिए, जो कलर आपको यूज़ करना हो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम 3 बारी फोल्ड करेंगे, यहाँ से इस तरीके से। तो ये डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाएगा। ऐसे ही सारे कपड़े को हमें बना करके रख लेना है। इसके बाद हम बनाना स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन। सो देखिए, ये कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे ही हमें बनाना है और सारे कपड़े को हमें इसी तरीके से फोल्ड करके एक साइड से सिल लेना है। छोटा बड़ा होगा तो हम फिर से उस पर बाद में सिलाई बना सकते हैं। पहले हम इसी तरीके से सब डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, कंप्लीट करने के बाद अब हम जो कटिंग की हुई है उसे हम सिलाई बनाते हैं उल्टे की तरफ से। उल्टे के साइड से सिलाई बनाते हुए जाएंगे और फिर से सीधी की तरफ फोल्ड करेंगे, यहाँ तक जहाँ हमें कोन बनाना होता है वहाँ से हम मशीन को उठा करके घुमाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चलती मशीन से ही घुमा लीजिए, डिज़ाइन आपका ख़राब हो जाएगा। आपको कोन बनाना है तो इस तरीके से बनाइए। इसके बाद आप किनारे साइड में आप थोड़ा थोड़ा सा कट लगा सकते हैं इस तरीके से। कट लगाने के बाद अब हमें सीधे की साइड घुमा लेना है इसे। इसे हम पेस्टिंग पेपर नहीं लगा रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आया था कि पेस्टिंग पेपर नहीं मिल रहा है या कैसे लगाएं प्रेस की मदद से। तो हमने कहा कि बिना पेस्टिंग पेपर के भी आप अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हो, तो इसमें हम नहीं लगा रहे हैं। लेकिन आपका सेम ब्लाउज वैसे ही बनेगा। देखिए, यहाँ से फिर जितना अस्तर वाला कपड़ा आपको इस साइड नहीं दिखना चाहिए और इधर वाला कपड़ा आपका उस साइड नहीं जाना चाहिए। एकदम आपको बारीक से सिलना है। अब जितना भी अस्तर और कपड़ा जो हमने सिला हुआ है उसे सभी तरफ से हमें इसे देखिए सिल करके सेट कर लेना है। की भी सेम प्रोसेस है, ऐसे ही सबको पूरा करना है। पूरा करने के बाद फर्स्ट में हम लगाएंगे फिटिंग, जो बैक फिटिंग होती है। तो 4 इंच की बैक फिटिंग हमने दी हुई है और 1 इंच कपड़ा नीचे की तरफ दबेगा, ऊपर की तरफ 1/2 इंच से भी कम। ये हो गया। दोनों साइड में हमें वैसे ही सिलाई करनी है। अब देखिए, डिज़ाइन की बारी आती है। डिज़ाइन हमने कहा कि अगर हमारा बड़ा होगा तो हम सेकेंड सिलाई उस पर चला सकते हैं। तो थोड़ा हमें बड़ा लग रहा था तो हमने क्या किया, उसकी छोटे छोटे से इस तरीके से बना करके सिलाई बना ली है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमने कट कर लिया है। यहाँ पे सेट करते हुए जाएंगे और सिलते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा भी डिस्टेंस रखें इसमें, थोड़ा आप बिल्कुल अटैच करके इसमें सिलें। प्रॉपर आपको ऐसे ही सिलना है, लेकिन इसी यहीं तक सिलना है आपको, कट तक। फिर दूसरे साइड भी हमें बिल्कुल ऐसे ही सिल लेना है। नीचे की साइड हम दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे। ये हो गया। तो थोड़ा सा अंदर ही सिलेंगे क्योंकि हम लेस लगाएंगे तो लेस चुभता है, तो थोड़ा सा अंदर की तरफ ही लगाएंगे तो लेस अंदर की साइड ना जाए, वो ऊपर ही रहे इसलिए। तो लेस की भी सिलाई कर लीजिए।
लेस की सिलाई ऐसे करिए कि आपकी जो इसके नीचे वाली सिलाई है वो दिखनी नहीं चाहिए, ताकि फिनिशिंग आपके कपड़े में आ सके। इसे कंप्लीट करेंगे, दोनों सेट सिलाई बनाएंगे लेस के। सेम प्रोसेस हमें दूसरे साइड भी करना है। अब देखिए ऐसे यहाँ भी लगा लेंगे। अब देखिए ये 6 इंच का कपड़ा है, 20 से हमने इसे प्रेस करके सिला हुआ है, और इसे बिल्कुल सीधा सिल लेंगे। सीधा सिलाई बनाने के बाद इसमें हम चुन्नट बनाएंगे हल्की हल्की, ज़्यादा घना नहीं बनाना है हमें, क्योंकि डिज़ाइन बनाना है तो हम हल्का सा चुन्नट बनाएंगे इसमें। और सभी को एक समान ही रखेंगे, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा और कोई छोटा हो जाए, सबको सेम डिस्टेंस में बनाना है। कंप्लीट करिए इसे। कंप्लीट करने के बाद जो दूसरा साइड है चुन्नट वाला, उधर भी हमें सिलाई बना लेनी है इस तरीके से। यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखिए डिज़ाइन बनाने के बाद हमें कहाँ सिलना है और कैसे सिलना है ये देख लीजिए। थोड़ा सा हम अंदर की साइड में करेंगे क्योंकि हमें बाजू भी लगाना है, तो ऐसे करके सिलाई बनाते जाएंगे और सिलते जाएंगे। हमने पहले भी कहा कि कपड़े से थोड़ा सा अंदर ही रखेंगे क्योंकि हमें लेस लगाना है इसलिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए और आप जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो को देख पाए। अगर आप सिलाई सीखना चाहते हो फर्स्ट दिन से, तो सर्च करें सिलाई सीखने का आसान तरीका पहला दिन। एंड अगर आप पीछे रह गए हो, आपने नहीं सर्च किया है, नहीं देखा है, तो कोई बात नहीं है, सीज़न 2 चल रहा है, 3रे दिन का वीडियो हम कल डालेंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो 3रे दिन का वीडियो। 2 दिन ही हुआ है अभी क्लास किए हुए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सीज़न 2 अटेंड करें और सिलाई सीख सकते हो। सो ये प्रोसेस हमें ऐसे ही सिल लेना है। इसके बाद हमें लेस लगाना है। लेस लगाने के लिए हमें देखिए यहाँ पे जो हमने सिलाई यूज़ की हुई है इसके पहले, वो सिलाई हमारी दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका सिर्फ लेस ही दिखेगा, आपके अंदर की सिलाइयाँ अगर दिखती हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसे हम प्रॉपर सिलेंगे एंड यहाँ पे हम डबल लेस लगा लेते हैं, क्योंकि इधर का हमारा कपड़ा चौड़ा था तो हमें उसे ढकना भी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम अच्छे से और बेहतरीन दिखा भी सकते हैं और हम अपनी कमियों को छिपा भी सकते हैं। तो ये होता है। अब दूसरे साइड में ये एक ही लेस लगाएंगे हम, क्योंकि दूसरे साइड में हमने फिनिशिंग और वहाँ पे फोल्डिंग था तो हमारा वैसे ही फिनिशिंग आना है उसमें, तो एक तरफ ही हम लगाएंगे और वो खूबसूरत भी लगेगा, ठीक है। तो बन करके तैयार हो गया है। ये है पूरी सिलाई का प्रोसेस। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, एंड पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।